चित्रकूट धाम मंडल संस्थान के यहाँ के कर्मचारी यहाँ पे आज बैठे हुए हैं धरना में। कल 26 तारीख से इनकी 7 सूत्र की मांगे हैं कि इन लोग की जो 7 माह से वेतन नहीं मिल रही और जो इनकी पेंशन मिलना चाहिए, इस कारण से इन लोग यहाँ पे ज्ञापन धरना में बैठे हैं। और इनकी परिवार पूरी भूखमरी के कगार में है, इनका घर नहीं चल रहा है। किसी के बेटी की शादी करना है तो किसी के खेती किसानी करना है, इस कारण से इन लोग पूरी कहीं कई बार धरना में बैठे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इनको देखते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सिस्टर, मेरा नाम कल्लू प्रसाद है। मैं जल संस्थान से सेवानिवृत्त सुपरवाइजर पद का कर्मचारी हूँ। विगत 7 महीने से हो गए हमारे विभाग में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ना तो उनको पेंशन मिल रही है और जो नौकरी कर रहे हैं ना उनको वेतन मिल रहा है। ऐसा हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है। हम जब भी कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाता है और फिर भी ज्यों कहते हैं वही समस्या बनी रहती है। इस दफ़े 7 महीने हो गए, अभी लोकसभा के चुनाव थे, हम लोग इस आशा उम्मीद पर थे कि चुनाव के बाद हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल जाए। अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि चुनाव होने के बाद भी ईद का त्यौहार बीत गया, फिर उसके बाद रक्षाबंधन जैसा हिंदू त्यौहार बीत गया, हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के त्यौहार निपट जाने के बाद भी 1 पैसा मुहैया नहीं हुआ। हम लोगों के बच्चे किस तरह से समाज में जी रहे हैं हम ही बता सकते हैं। हम लोग समाज में सर नहीं ऊंचा कर पा रहे हैं। समस्या ये है कि हम लोगों को दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं। कहा जाता है कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पर विपदा पड़ी हुई है, हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हम किस देश में जाएं, हम कहाँ जाएं, किससे अपना दुखड़ा बतावें। हम सांसद विधायक जो अभी बुंदेलखंड समिति गठित की गई है उसके उपाध्यक्ष माननीय बुंदेला जी आए थे, उनसे मिले, सबसे अपनी बातें कह चुके हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। कहते हैं कि शासन प्रशासन बहुत एक्टिव है, तुरंत पुकार सुनता है। हम अफसोस के साथ बता रहे हैं कि 7 महीने हो गए, हम लोगों को न 1 पैसा वेतन का मिल रहा है और न 1 पैसा पेंशन का मिल रहा है। 2014-15 से हम सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी हैं, 1 नए पैसे हमारी देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि दूसरे विभाग के लोग रिटायर होते हैं तो लाखों लाख रुपये पाते हैं। हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा, हम उनको क्या जवाब दें। अब इससे ज़्यादा हम कर कुछ कह पाएंगे, हमें पैसा मिले, हमारा परिवार चले, हम स्वाभिमान के साथ जी सकें, यही हमारी मांग है। नहीं अंतिम दिन तक अभी भी हम बहुत इतना कष्ट झेलने के बाद भी हम जलापूर्ति नहीं बंद कर रहे हैं, हम सुचारू रूप से सप्लाई चला रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हम अगर पानी बंद करेंगे तो हमारी माँ बहनें ही सड़क पर घूमेंगी, हैंडपंप में जाएंगी, इसलिए अभी हम ये कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर होकर के ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है, हमारी मांग है, हमारा निवेदन है कि हमारी समस्या को गंभीरता से विचार करें और इसका निदान करें, इसका समस्या का समाधान करावें। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम भाई? हमारा नाम शिव प्रसाद वर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष, चित्रकूट जल संस्थान। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं कि उन लोगों को वेतन नहीं मिला? हमारे यहाँ 50 कर्मचारी नियमित हैं, 150 कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं और लगभग 250 कर्मचारी जो ठेका प्रथा के अंतर्गत काम कार्य कर रहे हैं। इस तरह टोटल 500 कर्मचारी हैं जिनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। विगत 7 माह से वेतन नहीं मिला, कर्मचारी किसी तरह अपना जीवन कर रहा है, लेकिन अब हम अपना दुखड़ा किससे रो। सरकार से कई बार लिखा पढ़ी की गई लेकिन आज तक सरकार हमें कोई रास्ता नहीं सुझाया है।
पिछली मरतबा नौ दिसंबर जनवरी में यही प्रक्रिया की गई, उसमें हमें 2 माह का वेतन दिया गया। 2 माह का 6 महीने में 2 महीने का वेतन नहीं दिया जाता है तो परिवार का किसी प्रकार से संचालन नहीं हो पा रहा है। तो जो पैसा नहीं मिला, वेतन नहीं मिला, तो आप कैसे खर्चा चलाते हैं? अब खर्च हम इधर अभी तक तो इधर उधर से साहूकार सेठ साहूकार से उधार लेकर खर्च चलाते रहे, लेकिन वर्तमान में वो भी देना बंद कर दिए हैं। तब मजबूर होकर के हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, शायद सरकार हमारी सुने या आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक जाए। तो हम अब यही आशा उम्मीद में कि सरकार हमारी तक हमारी आवाज़ पहुँचाए ताकि हम लोगों का बच्चों का उद्धार हो सके। जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं कि फेसबुक लाइव में कि यहाँ की जो कर्मचारी है, जो शासन प्रशासन कहती है कि कड़ी सुरक्षा होती है और उन लोगों को तुरंत सुनवाई होती है, यही जल संस्थान के अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे रो रो के अपनी बात बता रहे हैं कि हमारा घर परिवार चल नहीं पा रहा, जो दुकानदार राशन देते थे वो भी बंद कर दिए हैं, और जो ऐसे चलता रहेगा हम लोग की वेतन नहीं मिलेगी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हमारा अनशन में बैठेंगे। और आइए हम अभी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम भैया? कलीमुद्दीन बेग। तो आपकी क्या है कि किस कारण से आप यहाँ पे आज धरना में बैठे हैं, कब से बैठे, कब तक बैठे रहेंगे? इसलिए हम बैठे हैं, पिछले 18 दिसंबर में हम लोग शुरू किए थे, 2 महीने का वेतन मिल चुका था, अब आशा लगी जीवय कोर परिस, हम तो सका शाम सुंदर के सकल जो किस, हम उसी आशा पे जिंदा थे, काम करते रहे कि अब मिलता रहेगा, मगर न सरकार सुन रही है न विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, घर में परसों 2 आलू थे, मिशन ने कहा 2 तो आलू हैं, कई सब्जी बना दें, तो मैं मुझे रोटी बना दो, मुझे अनशन में जाना, तो रोटी मिर्चा खा के मैं चला आया, घर में 2 आलू, अब आगे नहीं बोल सकता। अब कुछ बोल सकते हो जैसा भी नारा लगा रहे थे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मन पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मन पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मन पूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, भूल गया। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जन संस्थान के कर्मचारी यहाँ पे धरना में बैठे हैं और अपना रो रो की सरकार को बात बता रही है कि हमारे हर संस्था में हर विभाग में पैसा आता है मगर हमारे में वेतन नहीं आती, इसलिए रो रो के अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी कोई तो सुनवाई हो कि हमारी वेतन मिल जाए, हमारी पेंशन मिल जाए, और हम भूखमरी के कगार में हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं अपना लाइफ यहीं से समाप्त करती हूँ। पहले दुकानदार उधार देना बंद कर दिया है, दूध वाला उधार दूध देना बंद कर दिया है, और आज कोई भी के दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं है।
तो हमारे घर में सब्जी नहीं है, खाना नहीं, पूरा कर्मचारी बिलबिला रहा है। जी जान से हूँ कि यहाँ बैठ गया है, जब तक हमें वेतन पिल्शन पैसा नहीं मिलेगा तो हम आखिर दफ्तर में लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि हम अनशन बैठेंगे, अमन अनशन करेंगे, इसके बाद काम रोके पे सॉल्व करेंगे, फिर सप्लाई बंद करेंगे और यहीं जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे। हमारी यही सत्संग मांग है, क्योंकि हमारी सरकार सुन नहीं रही या आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम कहते हैं आपके माध्यम से हमारी पहुँच बात पहुँचे, सरकार को सुनाई दे, हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि कर्मचारी पूरा त्राह त्राह कर रहा है। एक बूंद पानी तो हम दे रहे हैं सबको, मैं हमारे घर में एक बूंद आने का अनाज नहीं है कि हम गल्ला रोटी बनाएं, क्योंकि हमारे घर में आ जाना अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, और दूसरे हमारा जो है रिमोट खत्म हो चुका, मोबाइल में पैसे नहीं है। हम ऐसे जी रहे हैं, सुनो छठ जाएगा।